गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? यहाँ पर हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी और इधर चॉपर में कर रहे हैं सब्जी चॉप। तो यहाँ पर शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, ये सब हैं। और अलग मैंने बच्चों के लिए निकाल लिए कटोरी में अलग। और इसमें मैं बाज बनाने वाली मेयोनीज के सैंडविच वेजिटेबल। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इस मेयोनीज में एक अलग ही टेस्ट होता है। इसमें अलग से ना कोई मसाला, ना कुछ, ना नमक वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें डाल ली मैंने हरी मिर्च और इसको बच्चे खुश होकर खाते भी हैं। तो इसको अच्छे से कर लूँगी मैं मिक्स। मैंने शिमला मिर्च कुछ ज़्यादा रखी थी प्याज के और टमाटर के मुकाबले, शिमला मिर्च ज़्यादा रखी थी क्योंकि ये ज़्यादा ले आए थे, 1 किलो ले आए। तो ये तो हल्की होती है तो काफ़ी सारी चढ़ी थी 1 किलो पर, तो इसलिए कुछ ऐसे यूज करी थी। उस दिन मैंने उत्पम बनाए थे तो कुछ उसमें यूज करी थी और कुछ की सब्जी बन जाएगी। और यहाँ पर मैंने बच्चों वाला भी मिक्स कर लिया है। तो अब लिया है मैंने यहाँ पर पनीर, थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था तो मैंने उसको भी छोटे छोटे के उसमें काट लिया है। इसको भी इसी में डाल लूँगी, टेस्ट अच्छा आएगा। तो इधर मैंने घी पिघला कर रख लिया है, ये घी है देसी। पनीर डालकर भी मैंने मिक्स कर रही हूँ इसको। और यहाँ पर तवे पर लगा लूँगी मैं घी। सबसे पहले मैं बच्चों के लिए तैयार कर दूंगी क्योंकि फिलहाल लगी हुई है बच्चों को भूख। कोई से बच्चे ने दूध नहीं पिया, सुबह उठकर बोले नहीं दूध नहीं चाहिए, सैंडविच ही खाने हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं उनको दूंगी। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को दे दिया था और अब बना रहे हैं अपने लिए। तो जितने सैंडविच, ये कुरकुरा सा नहीं होता, इतने खाने में मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। जितना ही कुरकुरा होता है खाने में उतने अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लेट लग गई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है और ये रही मेरी प्लेट। मैंने आज आधा कप चाय लिया, मेरे को कम अच्छी लगती है पर फिर भी आज मैंने ली है। और मैंने ली है कल वाली इमली की चटनी जो मैंने कल बनाई थी वो। तो चलिए आप भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने पहनी है आज साड़ी, ये ब्लैक। अभी हमें कहीं पे जाना है तो इसीलिए मैंने साड़ी पहनी है क्योंकि अच्छा नहीं लगता अगर वैसे ऐसे ही चले जाए तो। और मैंने डाली है बस ये दो दो रेड कलर की चूड़ी और एक एक ब्लैक कंगन। देखिए सिंपल है पर अच्छा कितना लग रहा है। और यहाँ पर खा लूँगी मैं अपनी दवाई, मेरी दवाई का टाइम हो गया था, मैंने सोचा जाने से पहले दवाई खा लेती हूँ।
क्योंकि हम जा रहे हैं अपने ताऊ जी को देखने, मतलब तैया ससुर बोलते हैं, कहीं तायसरा बोलते हैं, उनको देखने। उनकी तबीयत हो रही है काफ़ी ख़राब, तो उनको देखने जा रहे हैं। और मैं देख के आ गई थी उनको, तो मैं फ़ोन यहाँ पे फ़ोन आया था, फ़ोन पे बात कर रही थी, तो इन्होंने लेटे लेटे वीडियो बना दी। मैंने सोचा बना दी तो अब डाल भी देती हूँ। समझ नहीं आता कोई इतनी टेंशन कैसे ले सकता है। उन्होंने अपने माइंड पर इतना प्रेशर डाल रखा है, कुछ बात भी नहीं। और वो भी पता नहीं किस चीज़ की टेंशन लेते, तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी उनकी। तो यहाँ पर इवनिंग टाइम में शाम की झाड़ू लगा रही थी दीदी, और मैं यहाँ पर बैठकर कर रही थी एडिटिंग अपनी वीडियो की, क्योंकि वो ये है कि शाम को झाड़ू लगानी पड़ती है, बच्चे हैं कुछ ना कुछ खिंडाते रहते हैं, फिर पैर भी अजीब से चिपचिपे से हो जाते हैं, तो एक बार तो शाम को झाड़ू पूरे घर में निकालनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, दीदी आई थी राखी बांधने की, और दीदी ने सबको राखी बांध दी, ये रही मेरी भी। और वो लाई थी रेंशोरी वाले के कपड़े, जो कि मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये है टॉप, और ये है स्कर्ट, सुंदर लग रहे कपड़े, कलर भी प्यारा है। और इधर दिखाती हूँ आपको भी बांध के, ये देखें। दोनों बच्चों के कपड़े अच्छे हैं,